पानी तो हमेशा चोरी होता है। पानी चोरी होना कोई नई बात नहीं है। तलवाड़ा डैम कॉरपोरेशन की मिल्कियत है और हमें चनकापुर से जितना पानी मिलता है वो कई रोटेशन में तलवाड़ा डैम आता है, वहाँ स्टोरेज है हमारे लिए, और वहाँ से फिर पाइप के ज़रिए से पानी यहाँ फिल्टर प्लांट पर आता है। पीछे चोरी की शिकायत ख़त्म हो उसके लिए हमने जो है ये डिमांड की थी कि इस सिलसिले के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मालेगांव में भी इस मसले को लेकर के काफ़ी लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, कोशिश की थी कि तलवाड़ा डैम का पानी महफूज रहे, और इस ये आवाज़ भी थी कि हमें जो पानी चनकापुर से दिया जा रहा है वहाँ से 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है, यहाँ 100 MCFT पानी भी आता नहीं है। अगर पाइपलाइन डाल दी जाए जिस तरह तलवाड़ा से मालेगांव है, चनकापुर से अगर तलवाड़े तक भी ये पाइपलाइन डाल दी जाए तो ये पानी हमारे लिए कई दहाइयों तक काफ़ी होगा, इसलिए कि दो तिहाई से ज़्यादा पानी रास्ते में ज़ाय हो जाता है, ज़मीन में उतर जाता है, लोग अपनी खेतियों में ले लेते हैं, पंप लगा करके पानी चोरी कर लेते हैं। ये जो सूरत हाल है इससे बचने के लिए हल ये है कि चनकापुर से भी तलवाड़ा डैम तक फिल्टर अपना पाइपलाइन डाली जानी चाहिए। वो जो अभी तलवाड़ा से मालेगांव तक जो पाइपलाइन का टेंडर है जो 146 फुट अमृत में है वो टेंडर नहीं हो रहा है, MGP वालों को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया हुआ है टेंडर डॉक्यूमेंट। तलवाड़ा से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पाइपलाइन है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के टाइम मैंने लेटर दिया था कि नई पाइपलाइन डाली जाए, और उस सिलसिले के अंदर फॉलो अप लिया, हमारे मिनिस्टर दादा भुसे साहब ने भी उसमें काफ़ी मदद की, और वो टेंडर वो जो है फंड मंजूर हो चुका है। अब जो है MGP की तरफ जो है वो पूरी इस प्रोग्राम बनाने के लिए उनको दिया है, वो उतना हो जाए तो वो फिर टेंडर प्रोसेस पे आ जाएगा। चनकापुर से जो तलवाड़ा तक जो पाइपलाइन लानी है उसके सिलसिले में आप विधानसभा में लेटर देंगे या क्या मुतालबा आप करेंगे? मैंने इससे पहले राउंड टेबल मीटिंग लगवाई थी 2009 से 2014 के दरमियान, और उस मीटिंग के अंदर हमारे बच्चाव साहब भी थे और उस वक्त के कमिश्नर भी थे और पालक मंत्री भुजबल साहब भी थे, अजीत दादा पवार भी थे, और जो पानी मिनिस्टर थे वो भी थे। तो ये सारे लोगों के दरमियान मीटिंग हुई थी और उस वक्त हमने ये डिमांड की थी, और उस वक्त रास्ते में जितने देहात पड़ते हैं, जिन जिन लोगों की खेतियां पड़ती हैं, उन लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत की थी, अपोज़ किया था। वजह यही है कि वो अपनी खेती के लिए और पानी के लिए वो पानी चोरी करते हैं, इसलिए उन्होंने पाइपलाइन की मुखालफत की थी। तो हमारी डिमांड तो जब से है और अभी भी हमारी कोशिश यही है और रहेगी कि सरकार जो है हमें जो भी 900 कुछ MCFT पानी मिलता है, हाँ, यहाँ का सर, यहाँ का 900 MCFT है गिरना डैम से है, और वहाँ का 400 MCFT रिजर्व है। कहाँ पे? डैम पे रिजर्व है, कौन से? तलवाड़ा डैम, तलवाड़ा डैम पर। तो हमारा ये बोलना था कि आप जो है इन सब लोगों की डिमांड है पानी की, आप हमारे कोटे में से कुछ थोड़ा कम करके आप इनको दे दो और हमको पाइपलाइन से हमारा पानी दो, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ मानने के लिए, इसलिए कि उसमें उनका नुकसान था अपना फ़ायदा था। तो ये कोशिश तो रहेगी इंशाल्लाह, हम लोग डिमांड करेंगे। मिनिस्टर दादा भुसे साहब से भी बातचीत हुई है, लेकिन उस सिलसिले के अंदर जो मुखालफत है उसके पेश नज़र सरकार हिम्मत नहीं करती।